हाउ टू फिक्स वन प्लस नॉट N10 5G वॉल्ट इनेबल बट नॉट शोइंग प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने वन प्लस के डिवाइस में वॉल्ट के ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस प्रॉब्लम पे होता क्या है, जब आप वॉल्ट इनेबल करते लेकिन आपके जो स्क्रीन है उसमें वॉल्ट शो नहीं होते, जैसे कि आप ऊपर में भी देख सकते हैं। ठीक है, मेरा जो है दोस्तों यहाँ पे वॉल्ट शो कर रहा है, लेकिन दोस्तों किसी किसी मोबाइल पे ऐसा हो जाता है कि जब वो वॉल्ट को इनेबल करते हैं तो उनका जो वॉल्ट नेटवर्क है वो शो नहीं होते। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो इस वीडियो को देखिए, मैं आपको बताऊंगा सही तरीके से आपको कैसे सेट करना है। क्योंकि दोस्तों, ये प्रॉब्लम तब भी होते हैं जब आप सेटिंग को अच्छे से सेट नहीं करते। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों आपको जानना होगा इसका सेटिंग, और उसके बाद में दोस्तों मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो वीडियो के सारे अंत तक बने रहिए, सारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पे वाईफाई नेटवर्क, उसके बाद आपको जाना है सिम एंड नेटवर्क पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप पे जाके आपको नेटवर्क सिलेक्शन करना है। आपके जो नेटवर्क कनेक्शन है उसको सेट करना है 4G पे। ठीक है, आपको सेलेक्ट करना है 4G। 4G सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप अपने सिम के अंदर पे जाइए, वॉल्ट को डिसेबल करके इनेबल कीजिए, उसके बाद मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए एंड देन चेकआउट करके देखें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते तो दोस्तों आपके मोबाइल पे एक ऑप्शन है जो कि दोस्तों वहाँ पे मैं चेक करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपको शो करके बताने वाला था वो है दोस्तों डिस्प्ले के अंदर पे। डिस्प्ले में जाइए, मेरा दोस्तों अभी आप देख सकते हो ऊपर में वॉल्ट शो कर रहा है। ठीक है, आप अपने जो वीडियो पे क्वालिटी उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करके देखिए, अपने मोबाइल पे आपको दिख जाएगा। अभी दोस्तों आप जाइए अपने डिस्प्ले में और यहाँ पे आपको मिलेगा स्टेटस बार। स्टेटस बार में जाने के बाद आइकॉन मैनेजर है, आइकॉन मैनेजर पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको मिलेगा वॉल्ट। तो वॉल्ट के ऑप्शन को दोस्तों मैं यहाँ पे बंद कर दे रहा हूँ। तो बंद करते ही दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा जो वॉल्ट ऑप्शन है वो चला गया है। इसको ऑन करते ही दोस्तों मेरा जो वॉल्ट है उसका आइकन जो है वो दोबारा से इनेबल होगा। ऐसा नहीं कि दोस्तों आप इसको अगर बंद करते हैं तो आपका वॉल्ट बंद हो जाएगा कम्प्लीटली, ये सिर्फ आपका आइकॉन को हाइड करते हैं। ठीक है, आपके आइकॉन को ये हाइड करते हैं, तो इसको इनेबल कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके मोबाइल पे ये ऑफ हो गया होगा। तो इसको ऑन करते ही आपको वॉल्ट नेटवर्क शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जिसकी मदद से आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बाय एनी चांस अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों आप मोबाइल को सेफ मोड पर रिबूट कीजिए। उसके लिए पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड कीजिए, पावर ऑफ के स्विच को क्लिक करके रखिए और ओके कर दीजिए। ओके करते ही आपके जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। बाय एनी चांस अगर नहीं होते तो जाइए दोस्तों सेटिंग पर, उसके बाद वाईफाई नेटवर्क पे जाके सिम एंड नेटवर्क ओपन कीजिए, अपने सिम पर जाइए और उसके बाद नेटवर्क ऑपरेटर पे जाके मैनुअल नेटवर्क सेलेक्ट कीजिए। चूज़ ऑटोमेटिकली नेटवर्क को बंद करके आप देखिए आपको कुछ मैनुअल नेटवर्क मिलेगा, तो आपके जो नेटवर्क है उसको 4G पे सेट करना है। ठीक है, 4G पे सेट करने के बाद दोस्तों आप वॉल्ट को इनेबल करके देखिए, सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। अगर इसके बाद भी नहीं होते तो जाइए सिस्टम पर, रिसेट पर क्लिक करें, रिसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ पर क्लिक करके कौन से नेटवर्क पे कौन से सिम पे प्रॉब्लम आ रहा है उसको सेलेक्ट करें, और उसके बाद रिसेट सेटिंग पर क्लिक करके मोबाइल को रिसेट कीजिए। और इससे क्या होगा दोस्तों, आपका नेटवर्क सेटिंग रिसेट हो जाएगा। नेटवर्क सेटिंग रिसेट होने के बाद चेक करके देखें, सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। साथ ही साथ अगर आपका मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है तो मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट करें, जैसे ही मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट होगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।